इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया, नर्सिंग होम आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल चंडीगढ़ रोड टोहाना। बहादुरगढ़ हरियाणा का बेहद महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यावसायिक और रिहायशी शहर है। यहाँ हजारों फैक्ट्रियां हैं तो लाखों लोग रिहायशी सेक्टरों और कॉलोनियों में रह रहे हैं। बढ़ती गर्मी के बीच अब बिजली की डिमांड भी बढ़ने लगी है, जिसे पूरी करने के लिए बिजली विभाग तेजी से काम कर रहा है। करीबन 34 करोड़ की लागत से बहादुरगढ़ की बिजली व्यवस्था में सुधार का कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत 186 किलोमीटर लंबी जर्जर और खराब तारों को बदलने का काम किया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने बिजली विभाग के साथ मिलकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। खराब और जर्जर एलटी लाइनों पर केबल लगाई जानी है। बिजली विभाग के एक्सिन अजय कोहाड़ ने बताया कि एलटी और एचटी लाइनों को दुरुस्त करने के साथ ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। 100 ट्रांसफार्मरों की क्षमता 100 किलोवाट से बढ़ाकर 200 किलोवाट की जा रही है। 15 नई फीडर लाइनें भी खींची जा रही हैं। उनका कहना है कि गर्मियों में बहादुरगढ़ के किसी भी कोने में बिजली की किल्लत नहीं रहने दी जाएगी। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोग पिछले 3 महीने से अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। जैसा आपको पिछले पहले भी बताया था मैंने कि मेरे अपने ट्रांसफार्मर जो है वो सबको छुपने यहाँ पर इस बिल्डिंग में नीचे है, पनाड़ा में है, माटोठी में है, सेक्टर 10 में था, इधर अपना सोलदा में है। हमने अपनी ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाई है, एक एडिशनल ट्रांसफार्मर वहाँ रखवा दिए हैं। वहाँ से हमने फीडर भी खींच दिए हैं, तो लगभग 10-12 फीडरों पर मेरा काम जो चल रहा था उसमें 8-9 फीडर कम्प्लीट भी हो गए हैं। बाकी जो फीडर 2-3 फीडर बचे हुए हैं उनमें 15-20 दिन में काम पूरा हो जाएगा, जिससे कि जो ओवरलोडिंग जो कट लगा करते थे, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेरे कंज्यूमर थे चाहे मेरे अर्बन के कंज्यूमर थे, तो वो ओवरलोडिंग अब कट वो नहीं लगेंगे। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी करे बैठे हैं। और इसके साथ ही अभी विभाग द्वारा एक कंपनी को, जो गाजियाबाद की कंपनी है, उसको 34-35 करोड़ रुपये का एक काम लोकेट करा है, जिसके तहत वो हमारे 15 नए फीडरों पर काम करेगा। वो हमारे जो 100 केवी के जो ट्रांसफार्मर है उनकी क्षमता को 100 से 200 करेगा, और लगभग 186 किलोमीटर के हमारे एलटी नेटवर्क, जो हमारा एलटी की जो केबलें हैं, या नए सर्किट आएंगे या जो पुरानी जर्जर पड़ी जो एलटी केबलें हैं उनको बदला जाएगा। कितने वो उसमें वर्क ऑर्डर के हिसाब से तो लगभग हमारा उसमें 186 किलोमीटर केबल का उसका स्कोप ऑफ वर्क है। अब उस पर वो तो फुट सर्वे के बाद ही निकल कर आएगा कि भाई वो कहाँ तक जा सकते हैं। शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बिजली लाइनों को दुरुस्त किया जाना है। जहां ट्रांसफार्मर खराब है या कम क्षमता का है, वहां उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। घरों तक बिजली सप्लाई के लिए जाने वाली एलटी लाइनें भी दुरुस्त की जा रही हैं। इसके लिए आचार संहिता से पहले भी टेंडर और वर्क का ऑर्डर हो चुका है। बिजली सुधारीकरण के इस पूरे काम को 18 महीने के अंदर पूरा किया जाना है। एवन हरियाणा के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।